हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये नई बुक्स मैंने मंगवाई है, तो आपको दिखाता हूँ एक बार कौन कौन सी बुक मंगवाई है। इसको खोल लेते पहले। देखिए, इतिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक है प्रीलिम्स के लिए, और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि उनसे हमें आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें 28 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, और बुक्स के स्टार्टिंग में ही आपको प्री का और मेंस का सिलेबस है वो डिटेल में दिया हुआ है, जिससे आपको टॉपिक वाइज पढ़ने में भी आसानी होगी, और सिलेबस में ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। और ये बुक्स आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल जाती है। ये मेंस के एग्ज़ाम में पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चंस का संग्रह है, जो दृष्टि की बुक है। इसमें डिटेल में दिया हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी बताए गए हैं कि किस साल की कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक वाइज उनकी डिटेल दी हुई है, ये देखिए स्टार्टिंग में ही। और ये पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक है, जो सभी विद्यार्थियों की पहली पसंद होती है। ये बुक्स भी आपके प्री के और मेंस के एग्ज़ाम का काफ़ी हद तक सिलेबस को कवर करती है, और प्री में काफ़ी क्वेश्चन हैं जो इस बुक से डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की कई सारी पुस्तक पढ़ने की बजाय एक ही पुस्तक को बार बार पढ़े तो उस सब्जेक्ट में उसी बुक से अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। और ये ज्योग्राफी की 11th और 12th की बुक्स है, और एनसीईआरटी का एक अहम योगदान होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यह था कि एक तो हमें पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, और ये वो बुक्स हैं जिनमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत होती। ये बुक्स तो हमें पढ़नी चाहिए, जैसे पॉलिटी की है, एनसीईआरटी है, और प्रीवियस ईयर की बुक है। इनका अहम योगदान होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।